हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अवलांश इफेक्ट के बारे में सो क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द दवलांश इफेक्ट क्या होता है अवलांश इफेक्ट एंड द रिलेशन बिटवीन अवलांश इफेक्ट एंड कन्फ्यूजन डिफ्यूजन ये दो टर्म्स हैं कन्फ्यूजन डिफ्यूजन जो क्रिप्टोग्राफी में बहुत नॉर्मली यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं तो अवलांश इफेक्ट का इन दोनों से क्या रिलेशन है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो लेट एस स्टार्ट द वीडियो सो सबसे पहली बात तो अवलांश इफेक्ट है क्या सो अवलांश इफेक्ट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंक्रिप्शन एलगुरदम कोई भी इंक्रिप्शन एलग्रिदम होगा उसकी सबसे ज्यादा डिजायरेबल जो प्रॉपर्टी है मतलब कि उस इंक्रिप्शन एलगुरदम में जो प्रॉपर्टी होनी ही होनी चाहिए वो होती है आपका अवलांश इफेक्ट ठीक है अब अवलांश इफेक्ट है क्या बेसिकली ये देखते हैं सो so, इफेक्ट क्या कहते हैं अ स्लाइट चेंज इन आइदर द की मतलब कि की में आपने थोड़ा सा चेंज किया या फिर प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपने थोड़ा सा चेंज किया तो उन दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए साइफर टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज सो एनी चेंज इन और एनी स्लाइट चेंज इन की और प्लेन टेक्स्ट शुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंज इन दाइफर टेक्स्ट अब सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब क्या है सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब है साइफर टेक्स्ट की बहुत सारी बिट्स चेंज हो जानी चाहिए ठीक है सपोज़ मैं एक सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत सिंपल एग्जांपल आपका प्लेन टेक्स्ट था हेलो और की थी इस से थ्री कोई भी प्रोसेस इसने लगाया और इससे सपोज़ आपको मिलता है एक्स वाई जेड जेड यू दिस इज़ जस्ट द एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ अब अगर ये कह रहा है कि इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर दो मतलब कि हेलो की जगह आपने सपोज यहाँ पे एक और ओ लगा दिया तो ये ऐसा नहीं कि इसके आगे एक यू आ जाए दिस इज़ नॉट अ इफेक्ट दिस इज़ रॉन्ग इसका मतलब ये है अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका साइफर टैक्स में सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा साइफर टैक्स ही चेंज हो जाए सपोज इस तरह से मिले आपको एफ ए सी एक्स वाई लेटस सिग्नि मतलब तो और उसको हम बोलते हैं आप कन्फ्यूजन डिफ्यूजन से कैसे लिंक होता है अवलांश इफेक्ट इसका जो आंसर है वो आपको कन्फ्यूजन डिफ्यूजन की डेफिनेशन में ही मिल जाएगा सो कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन दो टर्म्स हैं कन्फ्यूजन एंड्यूजन आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिक्योर साइफर एज आइडेंटिफाइड बाई क्लॉड शेनन सो क्लॉड शेनन ने यह दो टर्म्स दी थी कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन अब कन्फ्यूजन क्या है इट मीन्स ईच बाइनरी डिजिट ऑफ द साइफर टैक्स शुड डिपेंड ऑन सेवरल पार्ट ऑफ द की ठीक है इट मीन्स ईच बाइनरी डिजिट ऑफ द साइफर टैक्स शुड डिपेंड ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ द की सो बेसिकली जो कन्फ्यूजन होता है आपका कन्फ्यूजन क्या करता है इट हाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दी साइफ़र टैक्स एंड दी की तो कन्फ्यूजन में आप ये याद रखना कन्फ्यूजन में क्या होता है साइफर टेक्स्ट और की के बारे में हम बात करते हैं ठीक है अब देखो अब अवलांश इफेक्ट क्या कहता है कि जरा सा भी चेंज अगर मैं कर देता हूँ की के अंदर या प्लेन टेक्स्ट में तो साइफर टेक्स्ट में चेंज होना चाहिए अब कन्फ्यूजन क्या कहता है इफ़ वन बिट इन की इज चेंज दिस इज इंपॉर्टेंट यही आपका रिलेशन है अवलांश इफेक्ट से ठीक है यही रिलेशन है एवलाइंस इफेक्ट से इफ़ वन बिट इन द की इज चेंज अगर आप की की एक बिट को भी चेंज करते हो देन मोस्ट और ऑल बिट्स इन द साइफर टैक्स विल बी अफेक्टेड अगर एक बिट भी आपने की की चेंज करी तो बहुत ज़्यादा या सारी की सारी साइफर टैक्स की जो बिट्स हैं वो आपकी चेंज हो जानी चाहिए ये कन्फ्यूजन की प्रॉपर्टी है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कन्फ्यूजन और यही आप देखोगे अवलाइंस इफेक्ट के अंदर भी हम बात कर रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं डिफ्यूजन की और डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपका साइफर टैक्स और प्लेन टैक्स के बारे में बात होती है सो द आइडिया इज टू हाइड द रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टैक्स एंड प्लेन टैक्स अभी क्या कहता है इफ़ वन बिट इन प्लेन टेक्स इज चेंज देन अराउंड हाफ ऑफ बिट्स इन दी साइफर टैक्स शुड चेंज एंड वाइस ए वर्सा मतलब कि अगर प्लेन टैक्स की एक बिट भी चेंज हुई प्लेन टेक्स्ट की एक बिट भी चेंज हुई तो साइफर टेक्स्ट की कम से कम हाफ ऑफ द बिट्स चेंज हो जानी चाहिए हाफ ऑफ साइफर टेक्स्ट बिट्स शुड बी चेंज्ड मिनिमम ठीक है और यही वाइस वर्सा भी होता है वाइसे वर्सा का मतलब क्या है अगर साइफर टेक्स्ट की एक बिट चेंज हुई तो आपके प्लेन टेक्स्ट की भी हाफ ऑफ प्लेन टेक्स्ट बिट्स शुड ऑल्सो बी चेंज्ड तो अब देखो रिलेशनशिप कैसे निकल के आता है रिलेशनशिप कुछ इस तरह से निकल के आता है अवलांश इफेक्ट अगर हम देखते हैं अवलांश इफेक्ट क्या कहता है अवलांश इफेक्ट कहता है कि अगर की में चेंज हो तो आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर सॉरी साइफर टेक्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज होना चाहिए ठीक है अगर की में चेंज हो रहा है तो साइफर टेक्स्ट के अंदर बहुत सारा चेंज होना चाहिए अबलायस इफेक्ट ये भी कहता है कि अगर प्लेन टेक्स के अंदर कोई चेंज हो रहा हो तो भी साइफर टेक्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए अब रिलेशन आप लोग यहां पे देख सकते हो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है अगर की और साइफर टेक्स की बात कर रहे हो तो दिस इज कन्फ्यूजन अगर प्लेन टेक्स और साइफर टेक्स के अंदर की बात कर रहे हैं तो दिस इज डिफ्यूजन तो ये आपका पूरा एक तरह से कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन है अब इफेक्ट एंड कन्फ्यूजन डिफ्यूजन So, this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please like and share the video. And don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to receive more such videos updates. Thank you.